चाहे मेरे को सुली पर चढ़ा दो या चक्कू चला दो, हम तो सच बोलते हैं, हम झूठ बोलते नहीं है। पिछले एक महीने से जो है आंदोलन किया जा रहा है, जो सफल हो तो दिख रहा है। हाँ जी, आज ही सुबह जो सोशल मीडिया कई मीडिया संस्थानों ने जैसे बताया कि यहाँ पे और तो पैसे लेके लाए, क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, जो पैसे लेके हम बैठ रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। वो पैसे किसी ने उन्हीं का बंदा लिया है और किसी ने दिया है, उन्हीं का बंदे लिया है दिया है, उसको फोटो करके उन्होंने भेज दिया है। हम इतने बैठे अपने घर से खाना बना के, अपने घर से खा के पी के, अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठते हैं। हम दो दो महीने के, दो दिन के बच्चों को लेकर यहाँ बैठते हैं, बारिश में भी भींग रहे हैं, लेकिन हम किसी के पैसे नहीं खाते। वो तो 500 बता रहे हैं ना, वो 5 लाख भी देंगे ना, उनके पैसे पर लात रख देंगे हम, लेकिन उनके पैसे नहीं लेंगे हम। हम सच के लिए मरते हैं और सच के लिए जीते हैं, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे हम यही बैठे रहेंगे, यही नमाज पढ़ेंगे, यही रोजा रखेंगे, यही भूखे रहेंगे और यही खाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। ए मोदी जी जो करवा रहे हैं ना, उन्हीं का बंदा ले रहा, उन्हीं का बंदा दे रहा। भारत न्यूज पे मैं देख के आ रही कि मतलब 500 रुपए रोज के ले रहे हैं और खाना पीना फ्री का मिल रहा, तो इसलिए यहाँ बैठे हैं। मतलब बच्चे जरा जरा से बैठे हैं, हम हैं परेशान बैठे हैं। मोदी जी को ये नहीं दिखाई दे रहा क्यों बैठे हैं? कि एक बार मोदी जी अगर कह दें तो हम हट नहीं जाएंगे यहाँ से। कहाँ तो मुसलमानों को साथ लेके जा रहे थे, यहाँ तो मुसलमानों को साथ लेके चल रहे थे, मुसलमानों को एकदम से निकाल दिया अलग को। कहीं हम भागेंगे नहीं यहाँ से? कभी कोई सोच रहा हो? हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान में मरेंगे हम। मुसलमान के बारे में क्यों बोला उन्होंने? जब उन्होंने अमित शाह जी ने बोला है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, तभी तो हमने धरने निकाले। हमें किसी नेता ने नहीं भड़काया, कभी कोई सोच रहा हो? हमें किसी ने भड़काया? हमें कोई नहीं भड़काता। और सभी धर्म के यहाँ आ रहा है और कोई ये नहीं कह रहा कि भाई तुम भड़क जाओ। हम भड़कने के नहीं हैं बिल्कुल भी। हम भड़के हैं तो सिर्फ अमित शाह की वजह से भड़के हैं। अमित शाह जी ने जो बयान दिया था कि मुसलमानों की नागरिकता छोड़ के बाकी सबको नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों को क्यों छोड़ोगे भाई? मुसलमान कहीं भाग थोड़ी जाएंगे यहाँ से? और कोई आया है मजबूरी में, पीड़ित आया है, तो वो मुसलमान कहाँ भागेगा? बात क्यों निकाल रहा है अमित शाह या कोई नई बात क्यों निकाल रहा है? मतलब 500 रुपए दे रहा कौन? 500 रुपए कौन दे रहा? अमित शाह दे रहा है यहाँ के या मोदी दे रही है यहाँ के 500 रुपए? हमें हमारे सामने तो आवे मोदी, फिर बतावे हम मोदी को कि हम क्या चीज है? मोदी आवे तो सामने हमारे। ये बोला जा रहा है कि 500 रुपए दे के जामिया के लेडीज लोग को बैठाया जाता है, ये सर बिल्कुल गलत है, ये कोई भी सही नहीं है। हमारी जितनी माते बहने जितने यहाँ बैठते हैं सारे अपना अपना घर से खाना खाते हैं, लिया खिलाते हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई यहाँ मिल कर रहते हैं, हम सबको लिए खाना बना के अपना घर से लिया के खिलाते हैं, सब मिल के खाते हैं खिलाते हैं। मगर ये जो बात मीडिया वाला फैलाए हैं गलत फैलाए हैं कि 500 रुपया हमको दे के कोई बैठाते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। और एक बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं एक महीना से यहाँ लेडीज बैठे हैं, प्रधानमंत्री हमारा सारा देश चलाते हैं, वैसे हम लेडीज को दुख देखें, हम सबको यहाँ से उठाना चाहते हैं तो हमारा हक आके दे, हमको वो बोले हक दे लिखा दे, हम उठ जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। मगर हमारा प्रधानमंत्री आके हमको यहाँ हक दे, हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ? उनको यहाँ आके हकीकत बताएं, ये जो सीए है सीए से हम डर गए हैं।